Welcome to the latest update of SPN Wala. In this series, the topic of discussion is Under-23 World Wrestling Championship. तो ये एक बहुत ही important topic रहने वाला है आपके upcoming exam के point of view से, क्योंकि आज हम इसमें एक बहुत ही important question को पढ़ने वाले हैं और साथ ही उसकी history को भी जानेंगे। तो हम बात करेंगे अगर Under-23 World Wrestling Championship की, तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है, जो कि 17 अक्टूबर से शुरू हुई थी Under-23 World Wrestling Championship और 23rd ऑफ अक्टूबर तक चली थी। 17 अक्टूबर से स्टार्ट होकर ये 23rd अक्टूबर तक चलाई गई थी ये Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और अगर हम बात करें किस जगह पर इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन स्पेन के अंदर किया गया है। और इसमें गौरतलब है कि भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि किसी पहलवान ने इस Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर एक गोल्ड मेडल को हासिल किया। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है, क्योंकि ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ये प्राउड फील करवाया। अमन सहरावत ने इस Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर बात करें अमन सहरावत ने किसमें हासिल किया है, तो अमन सहरावत ने 57 केजी मेल कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल हासिल किया। 57 केजी मेल कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। और अगर हम बात करें इन्होंने किसे डिफीट किया, तो अमन सहरावत ने डिफीट किया है अहमद दोमान को इन्होंने डिफीट किया। अगर बात करें अहमद दोमान की, तो ये कहाँ के पहलवान हैं, तो ये टर्की के निवासी हैं अहमद दोमान। इनको अहमद दोमान को डिफीट किया है अमन सहरावत ने, जो कि भारतीय पहलवान है। और अगर अहमद सहरावत की बात करें, तो अहमद सहरावत हरियाणा के रहने वाले हैं। अमन सहरावत हरियाणा के रहने वाले हैं। और अमन सहरावत 16 वर्षीय मात्र 16 वर्षीय अमन सहरावत ने भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात की है और प्राउड फील करवाया भारत को। तो अहमद दोमान को इन्होंने हराया है, जो कि टर्की के रहने वाले हैं। 57 केजी मेल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अगर हम बात करें इस Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल हासिल किए हैं, तो टोटल मेडल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल भारत ने 6 मेडल हासिल किए हैं। टोटल मेडल अगर बात करें, तो टोटल इस Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल सिक्स मेडल हासिल किए, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला एक मेडल आपका होगा गोल्ड मेडल का, जो कि अमन सहरावत ने दिलाया है, गोल्ड मेडल होगा। और एक आपका होगा सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और एक आपका होगा सिल्वर मेडल। और आपके चार आपके होंगे ब्रॉन्ज मेडल। तो ये 6 मेडल इस Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने हासिल किए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप एक ही पॉइंट को नोट करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए